सो है गाइज, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो को अपलोड किया था, जिसमें कि मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे आप अपने फैम पे अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि क्या हम सेम डॉक्यूमेंट से अपना नया अकाउंट बना सकते हैं, या फिर हम जिस नंबर से हमने अभी अपना फैम पे अकाउंट डिलीट किया है उससे हम नया अकाउंट बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। और गाइज, उस वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमारा फैम पे अकाउंट अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, और सारे आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर अगर आप नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से फुल वॉच करना होगा अगर आप भी डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली अपने फैम पे अकाउंट को। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरी नहीं देखते और फिर मुझे वीडियो के नीचे फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आए कि भाई हमारा फैम पे अकाउंट अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो केयरफुली वॉच करना है अगर आप भी डिलीट करना चाहते हो अपने फैम पे अकाउंट को। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं फोन की स्क्रीन में मैं अपने आ चुका हूँ, और आपको यहाँ पे अपना फैम पे अकाउंट ओपन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, फैम पे ऐप मैंने अपना ओपन कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो ये अपना प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है आपको यहीं पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स पूरे फैम पे में कहीं पर भी डिलीट अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे जहाँ पर भी जाएंगे कहीं भी आपको डिलीट अकाउंट नहीं मिल पाएगा। सो दोस्तों, डिलीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं FAQ एंड सपोर्ट का जो ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, सिंपली आपको इसी में चले जाना है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे न्यू इंटरफेस खुलकर आ चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, नीचे में ये जो टाइप मैसेज का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको यहीं पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान से सभी स्टेप समझने होंगे, तभी आप अपने अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे परमानेंटली। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको माय अकाउंट सिंपली सर्च करके इसमें सेंड कर देना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेंड किया है, यहाँ पे आप भी ऐसे ही सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको भी अपने क्वेश्चन के सभी आंसर मिलने वाले हैं कि आप सेम डॉक्यूमेंट या फिर सेम नंबर से अपना फैम पे अकाउंट बना सकते हैं न्यू या फिर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ चुके हैं। इसमें से फ्रेंड्स आपको सबसे नीचे में ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा आई वुड लाइक टू क्लोज माई अकाउंट। सो दोस्तों, आपको सिंपली इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से फैम पे की तरफ से चैट रिसीव हो जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मैं अवेयर किया है कि प्रोसीड करने से पहले आप सबको यही चीज़ रीड करनी होगी। सो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि अगर आप फैम पे अकाउंट एक बार अपना जो डिलीट कर देते हैं, उस डॉक्यूमेंट से फ्रेंड आप सेम अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं कर सकते, और मोबाइल नंबर को भी आप अगेन यूज़ नहीं कर सकते। आपको न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू मोबाइल नंबर लेना होगा अगर आपको अपना उसके बाद फैम पे अकाउंट बनाना होगा। यहाँ फ्रेंड्स आप साफ साफ रीड कर सकते हैं, उस वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो उस पर बना दी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल भी वो डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते और मोबाइल नंबर को, और जो दोस्तों आप ये डिलीट कर रहे हैं अकाउंट, उसको आप दोबारा से रीओपन भी नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर आप इसके बावजूद भी अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने यस प्रोसीड पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमें एक ईमेल देखने के लिए मिल जाएगी। सो दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या होगा, ये ईमेल यहाँ से आपको कॉपी कर लेनी है। तो दोस्तों, मैसेज सेंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपको अपनी जीमेल ओपन करके न्यू मैसेज कंपोज करना होगा। तो दोस्तों, मैं यही शॉर्टकट यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स फैम पे की ईमेल आ चुकी है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आपको टाइप करके दे रहा हूँ, आपको वही यहाँ पे टाइप करना होगा सेम, तभी आपका अकाउंट डिलीट हो पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पहले आपको सब्जेक्ट में आ जाना है, यहाँ पे सर्च कर देना है अकाउंट डिलीट। सो दोस्तों, आपको यही सर्च करना होगा, यही डालना होगा, तभी आपका अकाउंट डिलीट हो पाएगा। सो दोस्तों, उसके बाद आपको कंपोज ईमेल में आ जाना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब जो मैं टाइप करूँगा आपको वही सेम का सेम टाइप कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं सर आई वॉन्ट टू क्लोज माई फैम पे अकाउंट। सो दोस्तों, आपको यही करना होगा, तभी आपका अकाउंट फैम पे अकाउंट डिलीट हो पाएगा। ये करने के बाद आपको फ्रेंड नीचे आ जाना है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वही नंबर एंटर करना है जिससे फ्रेंड्स आपका फैम पे अकाउंट बना हुआ हो। तो दोस्तों, यहाँ पे नंबर डालने के बाद आपको अपना करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेंड कर देना है ये फैम पे को।
सो दोस्त जैसे आप ये सेंड करेंगे उसके 24 से 48 आवर के अंदर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका 72 आवर्स में मैक्सिमम अगर डिलीट नहीं होता है तो फिर आप इसी स्टेप को दोबारा से कर सकते हैं, तब आपका कन्फर्मली डिलीट हो जाएगा फैम्प अकाउंट परमानेंटली। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप 2 मिनट के अंदर अपना फैम्प अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपने उस डॉक्यूमेंट से कोई अकाउंट नहीं बना सकते और उस नंबर को भी यूज़ नहीं कर सकते। सो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं फ्रेंड जल्दी न्यू वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।